हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज की जॉब वैकेंसी जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, ये एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट थिंग यहाँ पे ये है कि कंपनी आपको लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप 12th पास है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखिए, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगी है, तो आप हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन है आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसी का, स्पेशली जो लोग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब वैकेंसी सर्च कर रहे हैं और जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, फ्रेशर है या फिर ग्रेजुएट भी है, तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ, काफी लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि हमें कहीं से रिवर्ट नहीं आ रहा है। देखिए, मैं जो जॉब वैकेंसी शेयर करती हूँ Naukri.com से, LinkedIn से या फिर जो भी जॉब पोर्टल है या फिर किसी HR के थ्रू मैं जॉब वैकेंसी शेयर करती हूँ, ठीक है, आप वहां पे अप्लाई करेंगे, अच्छे से सीवी वगैरह अपडेट कीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपका जो सीवी है वो एटलीस्ट 2 पेजेस का होना चाहिए और आपका हर पैराग्राफ में हर कुछ मेंशन होना चाहिए, ज्यादा इन शॉर्ट सब चीजें आपकी मेंशन होनी जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका जो सीवी है 1 या 1.5 पेज का होना चाहिए, अच्छे से सीवी अपडेट करें। गाइस देखिए, अगर आप खुद से भी अप्लाई करेंगे तो कहाँ से करेंगे, Naukri.com से करेंगे, LinkedIn से करेंगे या फिर जो भी जॉब के प्लेटफॉर्म है उनसे करेंगे, तो वहाँ पे भी आप रिवर्ट का वेट करेंगे ही ना। तो अगर यहाँ पे भी आप, मैं भी उन्हीं के थ्रू, उन्हीं जॉब पोर्टल के थ्रू जॉब वैकेंसी शेयर कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ लेटेस्ट से लेटेस्ट जॉब वैकेंसी मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है धीरे धीरे, मतलब आप अच्छे से सीवी अपडेट करेंगे, कम से कम 20-25 जॉब्स पर अपडेट करेंगे, तब जाके आपको 3-4 में से आपका रिवर्ट आएगा, कहीं एक पे जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बी पॉजिटिव, बी होपफुल, तो ऐसा नहीं है एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, अप्लाई करते रहो। 101% जेन्युइन जॉब वैकेंसी मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। देखिए, जैसे ही मैं आपके सामने वैकेंसी शेयर करूँ ना, तभी के तभी अपना ना सीवी ना 2-3 फॉर्मेट में रेडी करके रख लो। आपके जॉब जॉब में जो भी पॉइंट्स मेंशन है उनको थोड़ा एडिट करो, ठीक है, कि जॉब भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तब अप्लाई करो। जब आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड होगा तभी आपको वहाँ पे HR का कॉल आएगा, ठीक है। तो गाइस, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा होपफुल रहे, अप्लाई करते रहें और अपने स्किल्स पे थोड़ा सा काम करते रहें, अपना सीवी अच्छे से अपडेट करते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की जॉब वैकेंसी। सो गाइस, जो आज की जॉब वैकेंसी निकली हुई है वो है कनेक्ट कंपनी में निकली हुई है। कनेक्ट कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक बिजनेस प्रोसेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके अलावा अकाउंट से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आई थिंक हैदराबाद में है और जिसकी पेरेंटल कंपनी है गाई वो टाटा सन्स है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंपनी, जब भी आपको कहीं से HR का कॉल भी आएगा किसी वैकेंसी के थ्रू, तो कंपनी के बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। आप खुद भी गूगल कर लिया करें जब भी मैं किसी जॉब वैकेंसी के बारे में आपके सामने शेयर करती हूँ। तो सो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे जॉब वैकेंसी के बारे में, कि जिस प्रोफाइल पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। सो देखिए गाइस, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि मैं थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ था। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं है, 0 ईयर्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेशर्स के लिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है पहले भी थंबनेल में, कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। हैदराबाद के लिए लोकेशन, जॉब ऑफिस जो है हैदराबाद है, लेकिन परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो किसी भी लोकेशन में रहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या काम करना होगा, कस्टमर सपोर्ट में सभी को पता है, कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना होता है, उसके मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, आपको इनबाउंड कॉल के थ्रू, आउटबाउंड कॉल के थ्रू, आपको यहाँ पे उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा। एक दो पॉइंट्स यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। जॉब पर्पज टू आंसर क्वेरी, रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर थ्रू इनबाउंड, अटेंड ईमेल्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड, सम टाइम रेस्पॉन्ड थ्रू कॉल्स टू कस्टमर। मोस्टली गाइस, जो आपका यहाँ पे काम होने वाला है ना, आपको ईमेल से ही कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना है। प्रोवाइड करेक्ट एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो कोई भी, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो गई, हिंदू हो गई एंड तेलुगु, किसी भी एक लैंग्वेज में अच्छा, आपको एक अच्छे से आपकी वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू हैंडल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, गुड लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, अगेन दे आर हायरिंग फ्रेशर,
ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन गाइज इन्होंने क्या मांगी है, इंटरमीडिएट है या फिर ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 18 इयर्स होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो है इसका एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है और यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है, तो एक बार अपने एचआर से इंटरव्यू से पहले एचआर से कॉन्टैक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे भी अपना सीवी सेंड कर सकते हैं और डायरेक्ट एचआर को भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आपको तभी के तभी यहाँ से रिवर्ट आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की, जो सैलरी देखिए फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है एंड 12th भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 15,000 से लेके 22,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एंड इट विल डिपेंड योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे कैसा होता है, आपको कस्टमर सपोर्ट में मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये जॉब भी जो है एक दिन पहले ही अपडेट हुई है। मैं काफ़ी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी गाइज आपके सामने कोशिश करती हूँ कि लेटेस्ट जॉब वैकेंसी मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ और हर तरह के हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब वैकेंसी मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ। तो एक बार अच्छे से अप्लाई करें सीवी वगैरह अपडेट करके तो रिवर्ट जरूर आएगा। और यहाँ पे तो एचआर का नंबर गिवन है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। वीक डेज में कॉल करें गाइज, कभी वीकेंड पे कॉल ना करें और मतलब जैसे कि ऐसे ऑफिस टाइम पे ही कॉल करें, तभी यहाँ पे एचआर का आपको रिवर्ट आएगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे जॉब वैकेंसीज। कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें आप किस तरह की जॉब वैकेंसी शेयर कर सर्च कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं जॉब वैकेंसी शेयर कर सकूँ। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए यूजफुल है, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी आपको कोई लेटेस्ट अपडेट दे सकता है आपके करियर के रिगार्डिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।